एसी गैस फिलिंग के लिए हम अगर बात करें तो दो पॉइंट होते हैं। एक हाई प्रेशर लाइन है, पतली वाली लाइन हाई प्रेशर होती है, और मोटी वाली लाइन लो प्रेशर होती है। इनको आइडेंटिफाई करने का सिंपल सा तरीका है, गाड़ी स्टार्ट करके एसी स्टार्ट करके अगर हाई प्रेशर लाइन को टच करेंगे तो ये गर्म मिलेगी, और लो प्रेशर लाइन को टच करेंगे तो ये ठंडी मिलेगी। तो चेक करने का तरीका है, अगर आपको गैस फिल करनी है तो हमेशा जो फिल की जाती है मशीन से, अगर फिल कर रहे हैं तो लो प्रेशर और हाई प्रेशर में दोनों लाइन अटैच करनी पड़ती है, लो प्रेशर लाइन हाई प्रेशर लाइन अटैच करनी पड़ती है मशीन के साथ में, और आप उस टाइम पे फिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मैन्युअली फिल कर रहे हैं यानी कि बोतल से फिल कर रहे हैं तो अटैचमेंट चाहिए होती है, अटैचमेंट हमेशा जो है लो प्रेशर पे लगेगी, हाई प्रेशर से फिल नहीं कर सकते क्योंकि हाई प्रेशर का प्रेशर ज़्यादा होता है और बोतल का प्रेशर कम होगा, जिसकी वजह से ये रिटर्न फेंकेगा। इससे बढ़िया है कि आप लो प्रेशर से ही फिल करें और लो प्रेशर पर लगा के आप फिल कर सकते हैं। ये हमेशा ध्यान रखें कि जब भी गैस फिल करनी हो एसी गैस, तो हम लोग इसमें लो प्रेशर साइड से ही करेंगे अगर बोतल से कर रहे हैं, अगर मशीन से कर रहे हैं तो दोनों कंबाइन करके कर सकते हैं। उसके बाद जो है अगर आपको गैस में थोड़ा सा और बेटर चाहिए तो आप आगे आगे जो है कंडेंसर दिया होता है उसको धो सकते हैं। ये देखिए आगे से धो सकते हैं कंडेंसर को, इससे साफ़ हो जाएगा, लेकिन उसको धोते समय ध्यान रखें प्रेशर ज़्यादा ना हो।